सो हेलो एवरीवन, मार्केट ओपन हो चुका है एंड बैंक निफ्टी पर फ्लैट ओपनिंग। आज मार्केट की मोड जो है कंप्लीट बेयरिश लग रहा है। सो वेट करते हैं चार्ट पर सिग्नल के लिए। तो हमें पुट साइड पर सिग्नल मिल रहा है, कैंडल क्लोज के लिए वेट करेंगे। उसके बाद जैसे ही सिग्नल कैंडल की लो ब्रेक होता है तब हम पुट साइड पर एंट्री करेंगे। तो यहां पर मैं पीई साइड पर एंट्री करूंगा। 49,500 की पीई ऑप्शन में अभी बाय करने वाला हूं विथ 6 क्वांटिटी। तो मैंने यहां पर पुट साइड पर एंट्री कर लिया है। आप देखते हैं क्या होता है। यहां पर एक छोटा सा लॉस चल रहा है, ठीक है, जब तक लॉस छोटा है तब तक चलेगा। तो दिन का फर्स्ट टारगेट यहां पर अचीव हो चुका है एंड प्रॉफिट इंक्रीज होके 9,000 प्लस चल रहा है। तो यहां पर वेट करेंगे, इस लेवल पर जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, थोड़ा सा और वेट करेंगे फॉर बिगर टारगेट्स। बैंक निफ्टी फाइनली टारगेट 3 के आसपास चल रहा है। सो इन लेस देन 1 आवर ऑलमोस्ट हमें बैंक निफ्टी पर 200 पॉइंट्स के आसपास मिल रहा है, नॉट बैड। एंड प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास। तो मार्केट सेंटीमेंट कंप्लीट बेयरिश मोड पर है। एनटीपीसी एंड मारुति दोनों डाउनसाइड मोमेंटम को पकड़ रहा है विथ मार्केट ट्रेंड। बैंक निफ्टी हमें बढ़िया टारगेट दे रहा है, टारगेट 5 भी अचीव हो चुका है एंड प्रॉफिट इंक्रीज होके लगभग 43,000 के आसपास चल रहा है। लास्ट 2 दिन से मार्केट ओपन हो रहा है फिर नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है एंड लोग जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो आई थिंक मुझे यहां पर इस लेवल पर मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मार्केट हो सकता है और नीचे जाए बट क्योंकि अभी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है एंड अगर थोड़े देर और मार्केट साइडवेज रहता है तो यहाँ पर मेरा जो प्रीमियम है वो मेल्ट हो सकता है। तो इट वुड बी अ वाइज डिसीजन कि मैं करंट लेवल्स पर अपनी जो पूरी पोजीशन है उससे बाहर आ जाऊँ। सो हियर आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम माय पोजीशन फ्रॉम 49,500 पी एंड ऑलमोस्ट 42,000 प्रॉफिट मैंने बुक किया है बैंक निफ्टी पर। आज तो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल धमाका कर दिया है। अगर मार्केट से पैसा कमाना है प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए एकदम प्रॉपरली। मेरा ऑर्डर बुक भी देख लीजिए, 620 की प्राइस पर मैंने पुट ऑप्शन को बाय किया है एंड मैंने कहां पर प्रॉफिट बुक किया है 1087, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। एक्यूरेसी पर फोकस मत कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस कीजिए। मार्केट में जस्ट कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे, बिंदास प्रॉफिट होगा, सुपर सॉलिड काम करेगा।